आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, जो मशीन ड्रिल मैन्युफैक्चरिंग करती है उस मशीन के बारे में हम बेसिक जानकारी इस वीडियो में लेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि एक दिन हमने बता दिया था कि जो जुलाई 2022 है उस 2022 जुलाई के लास्ट तक हमारा जो सीएनसी टर्निंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज है, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, वो कंप्लीट करने के बाद अगस्त में एक महीना सिर्फ वीएमसी मशीन के बारे में, प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जो है ग्राइंडिंग के बारे में। उसके पहले ही इस चैनल में बहुत सारा कमेंट आने लगा, उसके वजह से कमेंट को देखते हुए आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम बता देना चाहते हैं, आज बेसिक के बारे में हम समझेंगे, जो सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन है उस मशीन के जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में समझेंगे। बाद में हम अगस्त के बाद जो है टोटल जो भी क्या रहता है शुरू से और लास्ट तक, जो भी सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हो या मैनुअल हो या कोई भी कोर्स हो, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराया जाएगा। उसके पहले हम एक उन लोगों को विश्वास देने के लिए एक वीडियो बना देते हैं, ताकि उन लोगों को मतलब याद भी रहे और विश्वास रहे कि अगस्त के बाद जो है वीडियो जो लगातार मिलेगा सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ठीक है, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन में देखिए क्या होता है। एक तो सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन में बहुत सारा मशीनों का प्रकार होता है, उसमें जो छोटे मोटे सीएनसी ग्राइंडिंग होते हैं उसमें शाफ्ट, जैसे कि शाफ्ट वगैरह ग्राइंडिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई शाफ्ट है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से कोई डाया बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, कोई डाया अंदर की तरफ भी है। ठीक है, इन सब शाफ्ट के लिए केवल शाफ्ट ग्राइंडिंग जिसमें अच्छी क्वालिटी का व्हील ना लगता हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, उस मशीन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर जो है दोनों तरफ से लगा दिए, ठीक है, ये जो डाया है ये एक दो तीन तीन डायो के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग होता है। जो सिंपल ग्राइंडिंग होता है ना, जैसे शाफ्ट के लिए होता है, ठीक है, ड्रिलिंग के लिए नहीं, जो शाफ्ट के लिए जो थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है, जिसमें फुली ऑटोमेटिक नहीं होता है, थोड़ी सी प्रोग्राम भी बनाना पड़ता है दो चार लाइन का, तो इसमें तो वही सीएनसी टर्निंग वाला जैसा है। जो सीएनसी टर्निंग मशीन के बारे में जानता हो, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करता हो या ऑपरेट किया होगा, वो इस मशीन को चला सकता है जो सिंपल ग्राइंडिंग होता है। लेकिन प्लस पॉइंट में क्या, आजकल नई टेक्नोलॉजी में क्या आया है, आजकल इंडिया में, यानी पहले तो विदेशों में पहले से ही बनता आ रहा है, बहुत पहले से ही ड्रिल मैन्युफैक्चरिंग ग्राइंडिंग मशीन पे होता रहा है। ठीक है, उसके बाद में धीरे 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 इंडिया में भी बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो मशीन है सीएनसी ग्राइंडिंग सिंपल वाला है, वो तो सिंपल ही है, लगभग जो सीएनसी बीएमसी जानता हो जो व्यक्ति, वो इसको चला सकता है, इसको प्रोग्राम बना सकता है इस मशीन में। ठीक है, उसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजी में है, जो ड्रिल मशीन बना ड्रिल बनाती है, ड्रिल एंड मिल कटर रिमर वगैरह सारा भी इंस्ट्रूमेंट जो भी है, टूल, एक जो कार्बाइड का टूल होता है ना, वो ग्राइंड करके बनता है। जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल पतला कोई टूल हो, इस प्रकार से कोई टूल हो, ठीक है, इसका डाया मान लीजिए कि 4 mm है, और इसका जो ड्रिल का जो टूल कटिंग का है जो एज है वो 3 mm है, बिल्कुल बारीक बारीक जो टूल होता है, वो कार्बाइड को, जो ड्रिल वाला मटेरियल होता है ना कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड का जो ड्रिल एंड मिल बॉल नोज इन सब मटेरियल से पतला टूल भी बनता है। ठीक है, कार्बाइड का, जिसमें पतला बोर करना हो, जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से पार्ट हो, इसमें इतना होल है मान लीजिए कि 4 mm का, तो 4 mm का टूल, जो सिंपल टूल हम लोग बनाते हैं चलाते हैं जो सीएनसी टर्निंग मशीन पे, उसमें इंसर्ट जो है 4 mm का आती नहीं है, और आती भी है ना तो उसको जो रेंज है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, और उसमें क्या होता है, जो कार्बाइड का होता है ना टूल, वो उसका लाइफ भी ज़्यादा होता है इंसर्ट के बदौलत। ठीक है, तो इस मशीन में जो है ये कार्बाइड टूल भी बन जाता है ग्राइंड करके, और एंड मिल कटर रिमर बॉल नोज
ओकरा बहुत सारा पीस में पार्ट जो है ग्राइंड करके बन जाता है। ठीक है, तो इसी मशीन के बारे में हम समझेंगे। इस मशीन में क्या होता है, देखिए आजकल का जो डेवलप मशीन है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी में है, इसी में सॉफ्टवेयर फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि आपका सीएनसी बीएमसी जो होता था मशीन, एक कंट्रोल होता था, नीचे एक कीबोर्ड होता था, आपका जो बटन वगैरह हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बटन है, इस प्रकार से कोई बटन है, ये डिस्प्ले है आपका, ठीक है, बटन सपोज डेट मान लीजिए एक कीबोर्ड हो गया। तो इसके लिए सीएनसी में तो 90% मैनुअल प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है, कोड आपको पता होना चाहिए, जी कोड और एम कोड, ठीक है, और बीएमसी में भी बन जाता है, पर ज़्यादा 3D में बनाना होता है, डाई वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर से हम कैलकुलेशन करते हैं, बनाते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, उसके बाद बीएमसी में हम यहाँ पे पेन ड्राइव मेमोरी के सहायता से हम डाल लेते हैं मशीन में, ठीक है, बीएमसी में। तो ठीक बीएमसी जैसा ये जो सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन है बीएमसी जैसा ही है, पर इसमें क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी में इसमें सारा कुछ है, मशीन में ही सारा कुछ दिया हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर है इसमें डिजाइनिंग भी करना है ना, ड्रिल का किस प्रकार से बनाना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेसेट पॉइंट प्राइमरी, जो आगे की तरफ जो एंगल निकला होता है ड्रिल का, उसका शेप कैसे बनाना है, गैसिंग का फ्लूट लेंथ जो है, यहाँ ये फ्लूट कैसे काटना है, कितना इसमें एंगल होना चाहिए, और ओडी बैकअप जो होता है यहाँ पे तो ओडी जो बैकअप होता है, पीछे के जो हिस्सा डाउन होता है, ऊपर के जो कटिंग एज होता है वो, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका इसमें दिया होता है, जो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन है जो आजकल आ रही है सीएनसी ग्राइंडिंग, उसमें सारा कुछ अवेलेबल है, आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है, इसी में सॉफ्टवेयर फिक्स है, सिर्फ आपको साइज बताना है उस मशीन में कि आपका जो ड्रिल का जो ये गैस कितना करना है, जो फ्लूट लेंथ कितना बनाना है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना बनाना है, ठीक है, ये एंगल कितना बनाना है, उसमें कैलकुलेशन करना होता है, एक तरह से एक मोबाइल की तरह ये बनाया गया है। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत सारा कंपनी है, एक से एक कंपनी है, सीएनसी ग्राइंडिंग जो ड्रिल मशीन ड्रिल बनाती है, एंड मिल बॉल नोज कटर वगैरह बनाती है, उस मशीन में क्या है, प्रोग्रामिंग करने के लिए आसान है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए हर मशीन का, देखिए हर मशीन का अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, जैसे सीएनसी में भी सीमेंस में कुछ डिफरेंट होता है फालूक के बदौलत, हास में कुछ उसके मतलब चेंजिंग होता रहता है अलग अलग कंपनी में थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी है चेंजिंग, लेकिन आपको एक मशीन का पता होना चाहिए, ठीक है, आगे हम बना देंगे, प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे, अभी बेसिक समझते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बाद जैसे हम अगस्त के बाद हम स्टार्टिंग करेंगे सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी पूरा विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो ड्रिल हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रिल बनाने के लिए उस मशीन में यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल होता है ये, और यहाँ पे जो आपका जो टैरेट जिसको हम बोलते थे सीएनसी बीएमसी में, ये यहाँ पे व्हील लगा होता है, दो व्हील होते हैं, ठीक है, यहाँ पे व्हील लगा होता है, ये फ्लैट ये कॉब, इसमें दो व्हील होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें डालना होता है कि कौन सा व्हील सिलेक्ट करना है किस ड्रिल में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉलेट इसमें लगा होता है स्पिंडल में, और ये भी चीज घूमता है, ठीक है, ये भी रोटेट होता है, और ये भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, और इसको 3D में भी, यहाँ तो बहुत 2D है, ठीक है, इसको 3D में नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक तरीका यहाँ पे समझिए, देखिए ये ऐसे भी होता है, ये आगे पीछे तो होता ही है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एक्सिस होता है, ठीक है, ये सी एक्सिस होता है, अलग अलग मशीन में इसमें क्या होता है, सीएनसी बीएमसी का जो कंट्रोल मशीन है, जो भी कंट्रोल करती है, जैसे हास फानुक सीमेंस, उसमें लगभग लगभग सेम होता है एक्सिस, इसमें अलग होता है, अलग अलग कंपनी में जाएंगे अलग अलग पॉइंट दिया होता है, सी कहीं और दिया होगा, एक्स कहीं और है, जेड कहीं और है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्स है, ठीक है, ये जेड है,
ये जो आगे पीछे होता है 360 डिग्री में घूमता है, आपका जो व्हील है एक जगह पे फिक्स होता है, यहाँ पे फिक्स है, ये घूमता है, ठीक है। तो ये सब चीज मैनुअल बनाने के लिए बहुत कठिन होगा, बन ही नहीं पाएगा, दिन दिन भर लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा एक प्रोग्राम बनाने में, एक ड्रिल का प्रोग्राम बनाने में। तो इस स्थिति को देखते हुए जो कंपनी है ये ऑटोमेटिक ज्यादातर इसमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर फिक्स है, कितना आपको फ्लूट लेंथ बनाना है उतना फ्लूट लेंथ, जैसे 50 mm है तो 50 mm उसमें डालिए, ड्रिल का जो डायमीटर है वो भी डालिए, ठीक है, एंगल कितना बनाना है आगे का वो भी डालिए, प्राइमरी जो फेसेट पॉइंट होता है उसका कितना एंगल होना चाहिए, आपको कितना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप डाल सकते हैं। गैसिंग के लिए व्हील सिलेक्ट कौन सा होगा, जो कॉप व्हील होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये गैसिंग करता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो गैसिंग के लिए कौन सा कॉप व्हील सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये फ्लैट व्हील होता है एकदम सीधा वाला, जो व्हील जैसे हम ग्राइंडिंग करते हैं ना ड्रिल में धार और लगाते हैं वो वाला, सिंपल इसमें व्हील भी लगा होता है। तो व्हील सिलेक्ट करना होता है, साइज आपको मेंटेन करके डालना होता है, कौन सा साइज का बनाना है, क्या उसका एंगल है, क्या ये फ्लूट लेंथ है, क्या डाया है, ठीक है। और ये जो ओडी बैकअप के ऊपर जो है, जो ओडी बैक होता है पीछे से मेटेरियल कटिंग होता है ऊपर की तरफ निकला होता है, ठीक है, तो उसका जो विड्थ है, ठीक है, उसका जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए, सारा इसमें साइज आपको ही डालना है, ठीक है, साइज डालना है, कटिंग स्पीड और फीड, ये प्रोग्राम बन के ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। प्रोग्राम के साथ साथ एक फिगर भी आएगा, ठीक है, एक फिगर भी आएगा ऐसे कि इस प्रकार से आपका ड्रिल जो है बनेगा, उसमें आपको दिक्कत लग रहा है फिगर में, जितना आप डाले हैं उस हिसाब से आपका जो फिगर है इमेज जो है नहीं बन पा रहा है, तो उसमें आप फिर से चेंज भी कर सकते हैं, इसमें बहुत डेवलप फंक्शन है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसको आसान है, सीएनसी पीएमसी से आसान है, पर बसरते आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका क्या लेंथ होता है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना होता है, गैसिंग पॉइंट क्या होता है, फेसिंग पॉइंट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम आगे बताएंगे एक ड्रिल लेकर के, ठीक है, 3D बोर्ड पे बताएंगे हम अगस्त के बाद, वहां पे आपको पीछे भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा, ठीक है, घुमा घुमा के उसको देख सकते हैं, उसमें हम उस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि क्या होता है गैसिंग, ठीक है, फेसेट पॉइंट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी एंगल क्या होता है जो आगे की तरफ होता है, ठीक है, इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपको जो ड्रिल आपको रिक्वायरमेंट है जो बनाना है उसका साइज इसमें भरना होता है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, व्हील तो सिलेक्ट करना ही करना है इसमें, ये होता है ये एक्सिस, ये भी घूमता है, ठीक है, स्पिंडल ये भी घूमता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका व्हील कटिंग कर रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ जाने के लिए इसको घूमना पड़ेगा तभी तो वो कटिंग करते जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। आमतौर पे जो मशीन में और सीएनसी पीएमसी में जो रिफरेंस का जो तरीका था, इसमें भी रिफरेंस होता है, ठीक है, अलग अलग थोड़ा बहुत सिस्टम चेंज होता है, अलग अलग कंडीशन होता है कि उस मशीन में कोई और फंक्शन से रिफरेंस होता है, ठीक है। एक मशीन के बारे में आप जान जाएंगे ना तो लगभग सारे मशीन के बारे में जान जाएंगे, वो धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एंड मिल में भी होता है, ठीक है, और रीमर में भी वैसे ही होता है। रीमर में क्या होता है इस प्रकार से, जैसे रीमर हो गया, ठीक है, इसमें अलग अलग कटिंग एज होता है, ठीक है, माइक्रोन में साइज होता है। तो रीमर में क्या होता है, रीमर के लिए अलग व्हील सिलेक्ट करना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो व्हील है ये सिलेक्ट करना कैसे होता है, ये आप लोगों को पता होना, एक अनुमान हो जाता है धीरे धीरे। जैसे गैसिंग के लिए ये कॉप व्हील, ठीक है, ऊपर करना है, ऊपर ग्राइंडिंग करना है तो ये फ्लैट वाला ये सीधा वाला व्हील चल जाएगा, ठीक है, वो अंदाज हो जाता है आगे जैसे जैसे आप लोग चलाएंगे समझेंगे अंदाज हो जाता है।